हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब बेटा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट सारणी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओमेगा इकाई के घनमूल है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बड़ा आसान है बेटा, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, डेल स्क्वायर यानी इसके स्क्वायर करना है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा फोर हो जाएगा, और ओमेगा फोर ओमेगा होता है। यानी दो रिजल्ट बेटा यहाँ याद रखना, एक तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, और ओमेगा क्यूब वन होता है। सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। एक होता है डेल स्क्वायर, मतलब इसको डेल को डेल से मल्टीप्लाई करें, बट उससे आसान है कि डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करके सोल्व कर लो, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है ना वो हमेशा वैल्यू देती है। यदि मैट्रिक्स होता ना फिर तो मल्टीप्लाई करना होता हमें। ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं एग्जाम के अंदर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा अगर तरीके से करते हैं तो बहुत बड़े हो जाते हैं। मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, आप एबीसी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। अब आते हैं कि सर वैल्यू क्या रखें, तो वैल्यू आप ऐसी पुट कीजिए कि आपके ऑप्शन सेम ना आए। मेरी नज़र में सबसे आसान वैल्यू होती है 001, बट किसी भी एक को जीरो पुट करूंगा सारे जीरो हो जाएंगे, ऑप्शन आपके सेम हो जाएंगे। जीरो तो मैं किसी को ले नहीं सकता, तो आप वन 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 ले सकते हैं। तो ये वन बन जाएगा, ये फोर आ जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ये वन सेम सेम हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू, मैंने माइनस वन ले लिया, क्योंकि ये तो माइनस वन बन जाएगा, और ये माइनस फोर हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ऑप्शन सेम आएंगे नहीं बेटा। अब पुट कर दो यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा, ये टू बन जाएगा, ये वन 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 टू वन 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 टू। अब तो सोल्व करना बेटा बड़ा आसान है, देखो टू रो कॉलम के फोर माइनस वन थ्री, माइनस वन टू, माइनस वन वन, वन वन माइनस टू माइनस वन, सिक्स माइनस टू कितना का फोर, ये आपका आंसर आ गया, हो गए सोल्व। और वैसे अगर आप करते फिर आपके लिए बहुत लेंथी हो जाता है ये क्वेश्चन करना। के का मान पूछ रहे हैं, तो एक तो हम की ऑप्शन से वैल्यू पुट करें, बट ऑप्शन से वैल्यू पुट करने में भी टाइम लगेगा, नहीं तो आप सिंपल है इसको डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन कर दीजिए। तो हम आर वन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं माइनस के प्लस सिक्स, माइनस के माइनस थ्री, और माइनस माइनस बेटा प्लस फोर हो जाएगा, वन हो जाएगा, प्लस थ्री नाइन माइनस टू के इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा अपने पास से माइनस के और माइनस के माइनस का टू के हो गया, और ये माइनस का सिक्स के यानी माइनस का एट के बन गया। यहाँ से 27, 27 बेटा 6, 27 प्लस 6 हो जाएंगे 33 इज इक्वल टू जीरो। तो 8 के इज इक्वल टू 33, के इज इक्वल टू आ गया 33 अपॉन 8, ये आ गया। और देख लेके का मान तो बेटा 9 थी जाएगा। ठीक है, मैं तो बड़ा आसान है इसको सोल्व किया, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन सोल्व करने के बाद तो क्या मान अपने पास आ जाएगा। ये वही क्वेश्चन होगा, वैल्यू पुट कर दो, सोचे कि वैल्यू क्या रखें। तो अगर हम जीरो पुट करते हैं तो ऑप्शन वही है बेटा, जीरो दिया हुआ गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं हम x को माइनस वन ले लेते हैं और y को वन ले लेते हैं, नहीं तो ऑप्शन सारे अलग अलग आ जाएंगे। रख दो वन 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 वन, x को माइनस वन लिया तो जीरो हो जाएगा, वन वन वन, y वन लिया टू हो जाएगा। अब बेटा आर वन के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, ये माइनस वन
वन प्लस वन, ये रो कॉलम गया वन, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस वन, यानी ये आंसर हो गया। बता रहा सबसे आसान है, मतलब वैल्यू पुट करने के बाद क्वेश्चन आपको 10-15 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। फिर से क्वेश्चन वैसे आ गया, तो ऐसा करते हैं कि ए और बी दो को जीरो पुट कर लेते हैं। ए बराबर जीरो, बी बराबर जीरो, सी बराबर वन, तो ये सी बराबर माइनस वन ले लेते हैं, तो ये प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और ए जीरो और बी जीरो, तो जीरो हो जाएगा। अब देखो कितने जल्दी आंसर आएगा, जीरो जीरो ये वन हो जाएगा, जीरो जीरो बी जीरो, बी जीरो ए जीरो ये वन हो जाएगा और जीरो, सी ये माइनस टू हो जाएगा, सी माइनस टू हो जाएगा, और जीरो जीरो माइनस वन, दो जीरो तो हो गए। हम आर वन के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस वन, और माइनस वन कहाँ से आ रहा है बच्चों, यहाँ से आ रहा है। बता रहा हूँ 10 सेकंड लगती है वैल्यू पुट करने के बाद, सबसे आसान मेथड है। तो जिन बच्चों को डिटरमिनेंट से डर लग रहा होगा, आई थिंक उनका डर खत्म हो गया होगा, इसलिए हमने प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन रखे हैं। तो फिर से देखते हैं कि एबीसी की वैल्यू, तो किसी भी एक को जीरो तो पुट करेंगे नहीं, वरना ऑप्शन सेम सेम हो जाएंगे, यहाँ जीरो नहीं रख सकते। तो ऐसा करते हैं वन 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 पुट करते हैं, वन 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 तीन, वन 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 भी नहीं ले सकता मैं, क्योंकि ये हाँ बिल्कुल ऐसे तो बड़ा, ये वन वन पुट किया तो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ये वन वन पुट किया नाइन, थ्री 27 हो जाएगा, ये वन वन किया तो वन माइनस थ्री, हाँ बिल्कुल मैं ले सकता हूँ। वन वन पुट करने पर सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, और जैसे मैं वन वन पुट करूँगा ना, तो दो मेरे कॉलम सेम हो जाएंगे, तो आंसर जीरो हो गया। आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, समझ गए। आप सोच सकते हैं कि ट्रिक कितनी खतरनाक है। अब डिटरमिनेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बच्चों आपका एग्जाम के अंदर। देखो जी, यहाँ से मैंने m कॉमन ले लिया, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है प्रत्येक रो कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे m कॉमन लेंगे ना, तो आपके दो कॉलम सेम आ गए, सेम आ गए तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया होगा। सुन कई बच्चे के इसको सोल्व करने लग जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं हर बार हम वैल्यू पुट करके सोल्व करें, कभी कभी प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, मतलब वैल्यू पुट करने से जल्दी आंसर आ जाता है प्रॉपर्टी से। तो देख लो यदि प्रॉपर्टी लग रही है, तो पहली प्राथमिकता हम प्रॉपर्टी को ही देंगे। लोग आ गए बच्चे, लोग में घबराते कि सर क्या वैल्यू पुट करें। अब देखो आपके ऑप्शन ऐसे हैं, आप एक्स वाई जेड पॉजिटिव हैं। अब देखो बेस वन तो होता नहीं, तो इसलिए हम एक्स वाई जेड की वैल्यू वन तो ले नहीं सकते, हम टू टू सेम सेम ले सकते हैं। जैसे सेम सेम लेंगे, टू टू ये वन हो जाएगा, टू टू ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, और दो कॉलम सेम हो गया, आंसर जीरो हो जाएगा, और जीरो आपका आंसर है आ गया। मैंने क्या किया, एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर टू ले लिया बेटा, यही तो स्मार्ट वर्क है। अब आप टू फोर एट लेते, मतलब हल करते मेहनत करते, मैंने देख लिया कि भाई ये वन 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 आ रहा है, यदि आंसर वन आता ना तब हम वैल्यू चेंज करते, आंसर जीरो आ रहा है, जीरो एक बार आ रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं। इजिकल टू दिया हुआ है, के की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू आप ले सकते हैं, बट वैल्यू ऐसी लो कि देखो के ही समाप्त नहीं हो जाए, तो आप वन 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 ले सकते हैं, सबसे बेस्ट है। तो वन 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 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टू वन वन, वन टू वन, वन वन टू इज इक्वल टू के, डैट के का माना जाएगा। ये सोल्व करना चाहते हैं बेटा आपको, ये टू फोर माइनस वन थ्री, माइनस वन वन माइनस वन, तो माइनस सिक्स माइनस वन माइनस वन, के इज इक्वल टू आ गया माइनस एट। मैंने पुट किया बेटा वन वन वन, तो टू वन वन वन, वन टू वन, वन वन टू बिल्कुल सही है। ये फोर माइनस वन बेटा ये मिस्टेक कर दी हमने, ये प्लस का थ्री आएगा, प्लस का सिक्स होगा बेटा, प्लस का सिक्स होगा तो कितना आंसर आएगा, फोर आंसर आएगा बेटा,
ठीक है। ये इसलिए मिस्टेक बेटा बड़े ध्यान से करना, जल्दबाजी में कैसे गलती हो जाती है। मैंने तुरंत किया, 4-1 और -3 लिख दिया बेटा। आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करें ना, बिल्कुल एकदम शांत माइंड से करना है, पूरा ध्यान पूरा फोकस ही होना चाहिए। थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हुआ ना, अब देख रहे इतना लल्लू क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू है, फिर भी अपनी मिस्टेक होगी और वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये तो अच्छा रहा, यहाँ ऑप्शन नहीं मिला, इतना नो दिस होता तो अपन टिक कर देते, लगता कि अपन जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। नहीं मिला तो हमने दोबारा देखा कि यार कहाँ गलती होगी, तो देखा कि देखो छोटी सी माइनर मिस्टेक हमने कर दी। ठीक है, ये फिर से लॉग वाला आ गया, फिर से स्मार्ट वर्क करते हैं। लॉग का बेस तो इस बार ई है, कोई टेंशन नहीं है, तो सोचते कि वैल्यू क्या मानने हैं। अब सेम सेम तो हम ले नहीं सकते, सेम सेम लेंगे तो जीरो बन जाएगा। ठीक है, ये लॉग 6 हो जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, देखो स्मार्ट वर्क इसे कहते हैं, हमने एक्स वन लिया और वाई भी वन लिया, दो को हमने सेम सेम रख दिया। ठीक है, और जेड को हमने 2 ले लिया, कितना ले लिया 2। इससे क्या होगा, जैसे कि लॉग 1 0 हो जाता है, 0 0 और लॉग 2, 1 लिया तो लॉग 2 लॉग 2 लॉग 4 लॉग 3 लॉग 3 लॉग 6। अब जैसे हम इसका एक्सपेंशन करेंगे आर वन के रेस्पेक्ट में, तो ये रो कॉलम गया, ये जीरो आ गया बेटा, जीरो आ गया तो होगा सोल। ठीक है, और मैं कह रहा हूं इनकी सुनो, तो आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है सारणी का मान और क्वेश्चन बेटा सीरीज पर बेस है, तो आप आंख बंद करके आंसर जीरो पर ठीक है कर देना, आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, सीरीज चाहे कोई सी हो, एपी जीपी एसपी, आप तो सीधा टिक कर दीजिए। ये क्वेश्चन बेटा फैक्टोरियल है, अब इसको ऐसे हल नहीं कर सकते, तो मैंने क्या क्या कॉमन लिया, फैक्टोरियल 10, 11 को लिख दिया 11 इंटू फैक्टोरियल 10, और 12 को 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10। इसी प्रकार हमने इसको लिख दिया, ये कॉमन ले लिया हमने, फैक्टोरियल 10, 11 और 12 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा, मतलब 1 1 1, 11 12 13, ठीक है। अब भी एक्सपेंशन करना टफ हो जाएगा, तो हमने R1 में से R2 माइनस कर दिया, R2 में से R3 माइनस कर दिया। फैक्टोरियल को ऐसा भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो 0 -1, और देखो यहाँ माइनस करना स्मार्ट वर्क है, मैंने 12 कॉमन ले लिया, 11 -13 -2 माइनस का 24 आ जाएगा, 0 -1, 13 कॉमन ले लिया माइनस का 26 आ जाएगा, और 1 13। अब हम C1 के रेस्पेक्ट में किया, ये रो कॉलम गया, 26 -24 2 आया, और यह आया, ये आपका आंसर आ गया। यानी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, उसको भी हमने काफ़ी सॉर्ट कर दिया। एयरफोर्स में हो सकता है इतने बड़े फैक्टोरियल नहीं आए, छोटे फैक्टोरियल थे, 1 का फैक्टोरियल, 2 का, 3 का, फिर तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन में ऑपरेशन नहीं लगाई, क्यों, क्वेश्चन ऐसे थे, इसलिए मैंने सब टाइप से क्वेश्चन दिए, ट्रिक वाले क्वेश्चन में लिखे, प्रॉपर्टी बेस लिखे। ये देखो बेटा ऑपरेशन से बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमें जब भी आपको दिखे ना कि 2 0 हो रहे हैं, तो उससे बेस्ट तरीका ही नहीं है। मुझे साफ साफ दिख रहा था, यदि मैं R1 को चेंज कर दूँ R1 + R2, तो मुझे दिख रहे थे कि 2 0 बन जाएंगे, तो आपका आंसर बहुत फास्ट आएगा। तो ये हो जाएगा 6 i 4 0 0।
आ तो दो जीरो आगे, तो बेटा एक्सपेंशन कर दें, ये रो कॉलम गया, ये आयोटा स्क्वायर माइनस थ्री जीरो हो गया बेटा, ये जीरो यानी ये जीरो बोले तो एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। बता रहा दो जीरो आ जाए ऑपरेशन से बेस्ट तरीका ही नहीं है आपका। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन सीरीज पर बेस है, सीरीज चाहे कोई सी हो। मैंने कहा बेटा सारणी का मान पूछ रहे हैं, आंख बंद करके जीरो पर टिक कर दो, आपको हल ही नहीं करना, देखना ही नहीं क्वेश्चन क्या है। आप तो बस मुझ पर भरोसा रखो, मैंने बोल दिया जो बोल दिया वो फाइनल है, ठीक है। ये देखो तो आप एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, बोले एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, मेरा मन तो जीरो पुट करने का हो रहा है, बट जीरो पुट करने से ऑप्शन सेम आ रहे हैं, इसलिए जीरो पुट नहीं करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि वन पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे वन पुट किया, ये टू फोर एट थ्री सिक्स इलेवन फाइव नाइन फिफ्टीन। अब आपको सोल्व करना ही होगा बेटा, ये आप चाहें तो कॉमन आप ले सकते हैं, यहाँ से टू कॉमन लेंगे और कॉमन आएगा नहीं कहीं से, ये आप इसका सीधा एक्सपेंड कर दो बेटा। देखो 90 और ये 99 माइनस 9 माइनस 18 माइनस 3, ये 60 और 72 माइनस 12, ये 64 और 48 16 आ जाएगा बेटा, तो हो जाएगा ये 80 हो गया, प्लस का 36 हो गया, माइनस 18 हो गया, तो प्लस का 18 हो गया बेटा। एक बार और देख लीजिए, ये 15 6 बेटा 90 माइनस 99 माइनस 9 माइनस 18 हो जाएगा, ये 60 माइनस 72 माइनस 12 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 60 ये 44 बेटा, या मिस्टेक कर दी, 44 माइनस ये माइनस 4 आएगा बेटा, कितना आएगा माइनस 4 आएगा बेटा, तो माइनस का 18 प्लस 36 माइनस का 20, तो 20 माइनस 38 यानी माइनस का 2 आएगा, ये माइनस 2 आ गए, ठीक है। बट जब भी नन ऑफ दी जाए ना, ध्यान रखना एग्जाम मैथमेटिक्स का सबसे टफ क्वेश्चन हो जाता है। अब जैसे हमने इसमें मिस्टेक कर दी, 11 4 मैंने 64 ले लिया और नन ऑफ दी जाए, तो मुझे लगा नन ऑफ दी बहुत कम क्वेश्चनों का आंसर आता है, तो अब आप वापस से क्रॉस चेक कर लीजिए कि कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी, और फिर से भी कोई गलती नहीं पा रही तो आप कोई दिक्कत नहीं टिक कर सकते, ऐसा नहीं कि नन ऑफ दी होता ही नहीं है, ठीक है। जीरो दे दिया, एक्स का मान पूछ रहे हैं, आप डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, ठीक है, सीधा ही कर दो बेटा। तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये फोर फोर एक्स माइनस नाइन माइनस थ्री, चार तीन बारह और तीन तीन नौ, बारह माइनस नौ बेटा तीन, और 9 माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। अब बेटा x का मान आ जाएगा बेटा, सोल्व कर लो बड़ा आसान है, ये 4 चौक 16x माइनस 9 चौक 36 माइनस का 9 प्लस का 27 माइनस का 3x इज इक्वल टू 0, ये 16 और माइनस 3 गया बेटा, ये 13x आ जाएगा, ये 36 9 बेटा माइनस का 45 हो गया, और माइनस 45 और प्लस का 27 ये 18 आएगा बेटा, माइनस को उधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा बेटे। ये बड़े ध्यान से करना चाहिए, बड़ी मिस्टेक हो जाती, फिर देख लीजिए पर, क्योंकि नन ऑफ दीज आ गए ना, ये 4 4x माइनस 9 माइनस 3
चार थी 12 में से 9 3, 3 9 माइनस 3x, 4 16x माइनस 36 माइनस 9, 3 से क्या बेटा 27 माइनस का 9x आएगा बेटा। ठीक है तो बेटा माइनस 9x आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 16x में से 9x जाएगा बेटा 7x, और इधर बेटा 36 9 45 27 18 आएगा बेटा, कितना आएगा ये प्लस के 18 आएगा बेटा। फिर भी बेटा एक्स का मान कितना आ रहा है 18/7 आ रहा है, यानी नन ऑफ दिस बटे कर देंगे बेटा। ठीक है नेक्स्ट लो, मतलब ये बड़े आसान क्वेश्चन बेटा, इनमें कुछ करना ही नहीं होता, बिल्कुल लो क्वेश्चन है, आप एक्सपेंशन कर दो, कुछ खास समझाने का नहीं है इसके अंदर। ये प्यारा क्वेश्चन है, बच्चा के ऑप्शन देख के मतलब घबरा जाता है कि यार करना क्या है, आप सीधा इसका एक्सपेंशन कीजिए। तो बेटा ये ए क्यूब बन जाएगा माइनस ये बेटा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बन जाएगा 0, यानी ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब, यानी ए अपॉन बी की पावर 3 इज इक्वल टू -1, ए अपॉन बी इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3। तो बेटा लास्ट ऑप्शन आएगा ना कि ए अपॉन बी -1 का ए के घनमूल है बेटा, देखो -1 का घनमूल आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। मतलब ये बिल्कुल हटके क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन बच्चे सोल्व तो कर लेते, इतना तो कर लेते, इतना करने के बाद सोचते ही सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या करे कुछ समझ नहीं आता। ये लीजिए बेटा ए बी सी डी दिया हुआ, ये पूछ रहा है बेटा। देखो यहाँ क्या होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, ये बच्चा का एक साथ कॉमन निकाला था, नहीं बेटा यहाँ अलग अलग, 3 यहाँ से कॉमन आएगा, 3 यहाँ से कॉमन आएगा, बाहर 9 आएगा और ये 5 है बेटा, तो आंसर हो जाएगा 45। बच्चा का 3 कॉमन लेके 15 कर देता है, फर्स्ट ऑप्शन वही दिया हुआ है जो गलती हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन हमने रखा मैट्रिक्स में एक साथ कॉमन आता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। यदि किसी विषम विषम बेटा कोटि सारणी के प्रत्येक अवयव के लिए ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, ये स्क्यू सिमेट्रिक है और ऑर्डर बेटा ऑड है, तो डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है 0 होता है। यदि ऑर्डर इवन होता तो आपका सारणी का मान होता है परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग। ये रिजल्ट मैंने लिखवाया भी है आपको, ये आप याद रखिएगा। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन देखो, एक्स वाई जेड ठीक है, पी क्यू आर ए बी सी सब कुछ सेट है, हमने क्या किया यहाँ से 2 कॉमन लिया, जैसे 2 कॉमन लिया तो 2 2 चला गया यहाँ 2 बन जाएगा, फिर यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया हमने तो वापस बेटा ये बन जाएगा, यानी 4 डेल हो जाएगा, हो गया। सो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। अवयव 0 का ये 0 बेटा इसका सेकंड है बेटा, सेकंड से पहले निकाल, सेकंड को बोलते हैं कोफैक्टर, इसे पहले निकालते हैं उपसारणिक। उपसारणिक निकालने के लिए जिस भी एलिमेंट को उपसारणिक निकालते उससे बनने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते बेटा, बाकी जो एलिमेंट बचे उसका सारणिक निकालते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 3 माइनस और प्लस 2, कितना आ गया 5 आ गया, बट ये माइनर है बेटा, एलिमेंट देते कौन सा है, ये आपकी थर्ड रो है, यानी ये हमने M32 निकाला, क्या निकाला M32, इनका सम यदि ओड है तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो को फैक्टर हो जाएगा -5। देखो ऑप्शन बेटा दोनों दिया हुआ, बच्चा यही गलती करता है, ध्यान रखिएगा, बहुत लल्लू क्वेश्चन है फिर भी बच्चा गलत कर देता है। अभी तक मैंने डिटरमिनेंट का एक पार्ट सोल्व कराया है, दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन यहां से बनता है, ये डिटरमिनेंट आपको गिवन है, कह रहे कि के हलों की संख्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशन, देखो 0 0 0 गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ d1 बराबर d2 बराबर d3 क्या आएगा 0 आएगा, बात है d की, हम डायरेक्ट d निकालते हैं, बोलो कितना आएगा बेटा 1 1 -1, 3 -1, 1, आप d निकाल लीजिए 0 आएगा या नहीं आएगा देख लेते हैं, 1 -1 ये माइनस का 3 माइनस 1 3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस का 9
प्लस वन। तो बेटा ये माइनस फोर हो जाएगा, ये फोर माइनस फोर हो गया, ये नाइन वन माइनस एट प्लस एट हो गया बेटा, ये भी क्या गया जीरो, सारे के सारे जीरो हो गए। इसका मतलब बेटा इसके अनंत हल हो जाएंगे बेटा, कितने हो जाएंगे मतलब संख्या, मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और यदि डी होता बेटा नॉट इक्वल टू जीरो बेटा, तो आपका आंसर आता बेटा यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल, यानी एक सॉल्यूशन होता। अब देखो कंफ्यूज कर दिया बेटा आपको ना, कि देखो इधर ले लिया माइनस उधर जाएगा बेटा थ्री बन जाएगा। ये कह रहे कि अनंत हल विद्यमान है तो लैम्बडा ज्ञात कीजिए। अब अनंत हल का मतलब बेटा क्या होता है कि डी वन डी टू डी थ्री तो जीरो है, तो लास्ट में जीरो 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 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, जीरो कर दिया। अब बेटा तो कह रहा है कि लैम्बडा का मान क्या होगा, तो अनंत हल विद्यमान है इसका मतलब आपका डी का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो डी निकालते हैं दान बेटा, ये जीरो इधर जाएगा थ्री बन जाएगा, और इधर माइनस टू बन जाएगा, इधर माइनस थ्री बन जाएगा। बट हम डी वन डी टू डी थ्री निकाल लेंगे, वो जीरो ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अनंत हल दे रखा है, हम सीधा डी निकालते हैं। डी कितना आएगा थ्री माइनस वन फोर, वन टू माइनस थ्री सिक्स फाइव लैम्बडा। अब बेटा सोल्व कर लीजिए, लैम्बडा का माना जाएगा जो भी आएगा, देखो थ्री टू लैम्बडा प्लस फिफ्टीन वन हो जाएगा प्लस का, लैम्बडा माइनस प्लस एटीन हो जाएगा माइनस फोर, फाइव माइनस ट्वेल्व, ठीक है आ जाओ बेटा, ये सिक्स लैम्बडा और प्लस का फोर्टी फाइव प्लस लैम्बडा प्लस एटीन और पाँच बटा माइनस सात प्लस का ट्वेंटी एट। तो बेटा ये ऐड कर लीजिए, आठ आठ सोलह, सोलह इक्कीस, दो दो चार पाँच और पाँच और चार नौ, ये बेटा माइनस का आ जाएगा, इज इक्वल टू सेवन लैम्बडा। तो लैम्बडा कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का नाइन्टी वन अपॉन सेवन, माइनस का थर्टीन आएगा बेटा। बेटा देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया हमने, थ्री माइनस वन फोर, वन टू माइनस थ्री सिक्स फाइव लैम्बडा, ठीक है। तो ये थ्री ये टू लैम्बडा प्लस फिफ्टीन हो जाएगा, प्लस वन लैम्बडा माइनस माइनस प्लस एटीन हो जाएगा बेटा, यहाँ मिस्टेक कर दी, प्लस का फोर आएगा बेटा, ये छोटी छोटी मिस्टेक है। तो ये फाइव माइनस ट्वेल्व माइनस सेवन माइनस का ट्वेंटी एट आएगा, माइनस ट्वेंटी एट आएगा बेटा। तो माइनस ट्वेंटी एट आएगा, तो ये माइनस का टेन और जाएगा थर्टी फाइव, माइनस थर्टी फाइव हो जाएगा, सेवन लैम्बडा बराबर माइनस का थर्टी फाइव और लैम्बडा हो जाएगा माइनस का फाइव। वही बात बेटा, नन ऑफ दिस नहीं था तो हमने सोचा कि ऑप्शन नहीं आ रहा, फिर से ट्राई करते, कहीं मिस्टेक कर दी होगी। और ये नन ऑफ दिस होता तो भी मैंने कहा था ये बेटा और चेक कर लीजिए, है ना, कि नन ऑफ दिस बहुत कम क्वेश्चन का आंसर होता है, एक रिस्क रहती है, हमें डाउट रहता है कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, इसलिए कह रहा हूँ आप पहले बड़े ध्यान से शांति से इस क्वेश्चन को सोल्व किया करो, ये गलती के चांस ही नहीं होंगे। समीकरण निकाय दिया हुआ है का एक अशून्य हल विद्यमान है, अशून्य मतलब हल आपका शून्य नहीं है बेटा, आप देख रहे हैं जीरो 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 लिखा हुआ है, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि डी वन बराबर डी टू बराबर डी थ्री तो क्या होगा जीरो। अब बात डी पर आकर टकती, डी के दो केस बनते हैं, डी या तो जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब कह रहे कि अशून्य हल विद्यमान है, यानी शून्य नहीं है, अगर डी बेटा हुआ नॉट इक्वल टू जीरो तो हम बोलते हैं जीरो सोल्यूशन, क्या बोलते हैं जीरो सोल्यूशन, जबकि कह रहा है कि नॉन जीरो सोल्यूशन, इसका मतलब है कि डी का मान क्या आएगा जीरो आएगा, और डी जीरो आएगा, डी होता है लैम्बडा वन वन माइनस वन लैम्बडा वन
माइनस वन लेमड़ा बराबर जीरो। लेमड़ा का मान पूछ रहा बेटा, यहाँ से मान आ जाएगा। आ जाओ बेटा, ये लेमड़ा, लेमड़ा स्क्वायर प्लस वन माइनस वन माइनस लेमड़ा प्लस वन प्लस वन और ये वन प्लस लेमड़ा बेटा बराबर जीरो। तो ये जाएगा लेमड़ा क्यूब प्लस लेमड़ा माइनस वन प्लस लेमड़ा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। लेमड़ा क्यूब प्लस थ्री लेमड़ा इज इक्वल टू जीरो। लेमड़ा कॉमन ले लिया, लेमड़ा प्लस थ्री बराबर जीरो। लेमड़ा का मान आया जीरो और माइनस थ्री। अब देख लो आपको ऑप्शन में क्या दिया, जीरो दिया बेटा सी, दोनों ही मान सी है लेमड़ा के। भैया यदि ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए भाई, नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या है। यहाँ जीरो 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 लिखा हो तो डी वन डी टू डी थ्री जीरो हो जाएगा, बात डी पे आती है, उसके बाद तो आसान है। पूछ रहा है कि इक्वेशन सिस्टम के सोल्यूशन पूछ रहा है, सोल्यूशन पूछ रहा है तो वही क्या करें, सबसे पहले डी निकालते हैं बताया। और डी क्या होता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ले लो, वन टू थ्री, वन माइनस वन फोर, टू वन सेवन। अब डी निकाल ली, डी या तो जीरो आएगा जीरो नहीं आएगा, देखते क्या आता है। वन माइनस सेवन और माइनस फोर माइनस इलेवन, माइनस टू ये सेवन और बेटा ये माइनस एट माइनस वन, प्लस थ्री वन और माइनस माइनस प्लस टू थ्री हो जाएगा बेटा, ये यानी माइनस इलेवन प्लस टू प्लस नाइन जीरो आ गया। यदि डी आता मेरा नॉट इक्वल टू जीरो तो मेरा आंसर आता यूनिक सॉल्यूशन केवल एक हल आता, बट मेरा डी का मान क्या आएगा जीरो। डी यदि कभी जीरो आ जाए तो हम डिसाइड नहीं कर सकते आंसर क्या आएगा, हम क्या निकालेंगे डी वन निकालेंगे। और डी वन कहता है फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो बेटा, ये जो कॉन्स्टेंट है बेटा वन जीरो वन और टू माइनस वन वन थ्री फोर सेवन। अब हमें डी वन निकालना होगा, आ जाओ बेटा वन, ये रो कॉलम गया, ये माइनस सेवन माइनस फोर माइनस इलेवन माइनस टू, ये रो कॉलम गया बेटा जीरो माइनस फोर प्लस थ्री, इससे मैंने रो कॉलम गया बेटा जीरो माइनस वन प्लस वन, ये बेटा माइनस का इलेवन और ये प्लस एट प्लस थ्री बेटा, ये भी क्या आ गया जीरो आ गया। ऐसा वैसे बहुत कम चांस होता है ये किसी ने ऐसा सेट हो गया, बाकी ऐसा होता नहीं। डी वन ही नॉट इक्वल टू जीरो आता, नॉट इक्वल टू जीरो आता तो हम बोल देते नो सोल्यूशन, बट यदि डी वन जीरो आ गया तो क्या निकालेंगे डी टू निकालेंगे। अभी डिसाइड नहीं कर सकते आंसर क्या आएगा, डी टू का मतलब ये तो वन वन टू, सेकेंड कॉलम रिप्लेस कर दो बेटा वन जीरो वन से, और थर्ड कॉलम है थ्री फोर सेवन। आइए बेटा ये जीरो माइनस फोर, ये रो कॉलम गया सेवन माइनस एट माइनस वन प्लस वन हो जाएगा और प्लस थ्री, यानी ये भी बेटा क्या आ गया जीरो आ गया बेटा। बेटा ऐसा इत्तेफाक से सेट होता बेटा, सब्जेक्टिव होगा बोर्ड का क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये गलती से लिखा गया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल मत घबराना कि सर बहुत लेंदी होगा कैसे करेंगे, क्योंकि बेटा ये मेथड ही करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं। एग्जाम हो जाता है यहाँ जीरो 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 लिखा हुआ जाता है बेटा, और जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ठीक है, तो डी वन डी टू डी थ्री जीरो जाते हैं, हमें हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब डी थ्री भी निकालना पड़ेगा, अभी भी डाउट है ना, तो डी थ्री के अंदर ये वन वन टू टू माइनस वन 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 जीरो वन यहाँ आ जाएगा। आ जाओ बेटा ये माइनस वन, ये रो कॉलम गए ये वन यानी माइनस टू, ये रो कॉलम गए ये वन प्लस थ्री, यानी ये भी क्या आ गया जीरो, सारे के सारे जीरो आ गए, तो बेटा क्या आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बाकी ऐसा आएगा नहीं, टेंशन मत लेने का, डी वन ही क्या जाता नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये चैप्टर था आपका डिटरमिनेंट सारणी का, हमने सब तरीके से क्वेश्चन बेटा ले लिए, आप इसको अच्छे से पढ़ जाओ, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा ठीक है। तो आज का समय समाप्त हुआ, मिलते हैं ब्रेक के बाद और नेक्स्ट समय स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स से। आफ यू ठीक है बेटा।